तो स्वागत है आज आपका अपने प्रॉपर्टी चैनल में और मैं आपका दोस्त गौरव आज आपके लिए बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों आपको 4 BHK का एक डुप्लेक्स हाउस लेकर आया हूं, काफी अच्छे वर्क क्वालिटी के साथ, काफी अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलने वाली है, काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर्टी के साथ दोस्तों लोकेशन भी बहुत अच्छी आपको देखने को आज मिलने वाली है। लोकेशन की सबसे पहले हम बात करेंगे तो लोकेशन आपको नियर बंगाली कोठी दून वेस्टी रोड के पास ही प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलने वाली है। नियर बाई सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, सब कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ आपको प्रॉपर्टी के नियर बाई देखने को मिलती है। सारी चीज़ें आपके पास में हरिद्वार बाईपास आपका पास में मिल जाता है, डिफेंस कॉलोनी आपका विधानसभा नियर बाई आपको देखने को मिलता है, तो सारी सुविधाएं इस प्रॉपर्टी के आसपास देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी और इंटीरियर डिजाइन का जो वर्क है वो भी अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूवर से, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको देहरादून के अंदर जितनी भी अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी हम लेकर आए वो आपको जल्दी से जल्दी उसकी एक नोटिफिकेशन मिल सके। और उसी के साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, जिससे कि मैं इस घर के आपको पूरे टूर की एक डिटेल आपको दे सकूं, जिससे कि आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े कितने का है, कितने गज में है, क्या है, कितने BHK है, कार पार्किंग है यानी रोड कितने फिट की है, तो उन सारी चीज़ों के जो सवाल है उसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखें स्टार्टिंग से पूरी और लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट रोड की, तो रोड आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलती है, 20 फिट की रोड आपको प्रॉपर्टी के आगे देखने को मिलती है। आगे जाके दोस्तों प्रॉपर्टी के आगे डेड एंड है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, काफ़ी शांत पीसफुल आपको यहाँ पर इस आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रॉपर्टी के फ्रंट एलिवेशन की, तो बहुत ही शानदार फ्रंट एलिवेशन आपको इस प्रॉपर्टी का देखने को मिलता है। देख सकते हैं काफ़ी शानदार फ्रंट एलिवेशन के साथ आपको प्रॉपर्टी मिलती है, 3 से 4 यूनिट हैं दोस्तों और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और एक बात और है दोस्तों, MDDA अप्रूव प्रॉपर्टी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी शानदार 4 BHK डुप्लेक्स हाउस के साथ। साथ के साथ ही रोड पर आप देखेंगे सीवर का पूरा आपको सुविधा दी गई है, सीवर लाइन आपकी डली हुई है यहाँ पर। और ये जो प्रॉपर्टी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, मेन रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नियर बाई आपकी सब्जी मंडी भी है, सब कुछ है, तो आप इजीली यहाँ पर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हम जैसे आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पार्किंग की, तो यहाँ पर आपको जो पार्किंग देखने को मिल रही है, छोटी गाड़ी की पार्किंग आपको देखने को मिल रही है। इसमें आपकी कोई भी छोटी गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे तो पार्किंग में से ही आपकी सीढ़ियां हैं जो कि आपको दूसरी मंजिल की पर लेकर जाती हैं। और सीढ़ियों पर अगर हम देखेंगे तो ग्रेनाइट पत्थर का इन्होंने यूज किया है जो कि काफी अच्छे कलर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों 2 एंट्री आपको मिलती है और एक एंट्री आप देखेंगे तो सीढ़ियों के जस्ट सामने से ही है जो कि ड्रॉइंग एरिया में ही जाती है जो कि किचन के पास में पड़ती है। और दूसरी जो एंट्री है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो देखेंगे ये आपकी इधर की साइड से आ रही है, पार्किंग में जस्ट जैसे आप एंटर करते हैं तो ये आपकी एंट्री आ जाती है। और ये आप देख सकते हैं 4 फिट की एक अच्छी खासा स्पेस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है आगे गैलरी में, बालकनी में आपका, तो ये काफी अच्छा स्पेस है। और ऊपर आप काम की क्वालिटी देखेंगे तो काफी अच्छी आपको वर्क क्वालिटी है इसी देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं दोस्तों अंदर दरवाजों की, डोर की, गेट की, तो इसमें आपका वुडन का वर्क काफी अच्छा देखने को मिलता है। देख सकते हैं डबल जाली का आपका यहाँ पर मेन डोर देखने को मिलता है, डबल डोर के साथ आपको मिल रहा है। ये वाला जो जाली वाला जो डोर है दोस्तों नॉर्मली काफी जगह आपने देखा होगा स्टील का या लोहे का आपको देखने को मिलता है, यहाँ आपको वुडन का देखने को मिलने वाला है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं मेन डोर की, देख सकते हैं काफी अच्छी वुडन क्वालिटी के साथ आपको मेन डोर देखने को मिलता है, अच्छी हैवी क्वालिटी के इसमें लॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हम जैसे दोस्तों एंटर करते हैं इसके इधर की साइड से तो आपको बहुत ही प्यारा एक ड्रॉइंग एरिया देखने को मिलता है। देख सकते हैं ड्रॉइंग एरिया आपको काफी शानदार काफी अच्छे स्पेस के साथ देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आपको इस ड्राइंग एरिया का देखने को मिलता है। इधर से भी आप देखेंगे तो अगर इधर की साइड से भी आप देखते हैं तो काफी प्यारा काफी अच्छा स्पेस आपको इसके अंदर ड्राइंग एरिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। फोर सीलिंग की बात कर लेते हैं, ऊपर आपको रूफ पर काफी अच्छी फोर सीलिंग देखने को मिल जाती है, कंसीड लाइट लगी हुई है और आप देखेंगे तो साइडों में आपका स्टूडियो लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आपका LED पैनल है पूरा अच्छा एक बहुत बड़ा आपको देख सकते हैं LED पैनल दिया गया है। साइड में ही आपके शोकेस के लिए आप कोई भी डेकोरेशन का सामान यहाँ पर रख सकते हैं। विंडो देखेंगे प्रॉपर विंडो दी गई है
वुडन वर्क आपको पूरी प्रॉपर्टी के अंदर मिलता है। दूसरी चीज आप देखेंगे, एक वॉल पर आपका ड्रॉइंग डाइनिंग वाली जो वॉल है उस पर आपको एक बहुत ही शानदार टेक्सचर वॉल पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की वर्क क्वालिटी है दोस्तों। और जो तो दूसरी एंट्री की मैं बात कर रहा था, बाहर से भी मैंने दिखाई थी दोस्तों, अंदर से आप देखेंगे तो यहाँ से सीधे आप स्टूडियो की तरफ से आप एंटर हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो ये आपका ड्रॉइंग के बाद डाइनिंग एरिया है, देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी अपने छोटा या बड़ा टेबल डाल सकते हैं, डाइनिंग टेबल। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका वॉश बेसन आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किचन वाला जो एरिया, डाइनिंग एरिया वाला जो एरिया, जो यहाँ पर भी आपको फोर सीलिंग का काफी प्यारा डिजाइन देखने को मिल जाता है। जैसे आप आगे चलते हैं दोस्तों, आपको एक मॉड्यूलर एल शेप में आपको किचन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा किचन आपको देखने को मिलने वाला है। तो काफी स्पेसियस किचन है, किचन भी ऐसा नहीं है कि आपको छोटा मिल रहा है, काफी अच्छे साइज के साथ आपको किचन देखने को मिलता है। ऊपर फोर सीलिंग का डिजाइन आपको किचन में भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, तो दोस्तों किचन में से ही आपको विंडो देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं पार्किंग में साथ देख सकते हो, फ्रंट व्यू आपको जो किचन का है वो पार्किंग में से पूरा आ रहा है, पार्किंग का ही व्यू आपको यहाँ से किचन में से देखने को मिल जाता है। सिंक आप देखेंगे, नॉइस प्रूफ सिंक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स धोने के लिए यहाँ पर आपको बकेट दे दी गई है, यहाँ आपके इको के यहाँ पर आपके सैनिटरी का यूज इन्होंने किया है। तो सारी चीजें ही आपकी ब्रांडेड है किचन के अंदर भी, और एक काफी अच्छा मॉड्यूलर किचन आपको इस प्रॉपर्टी के साथ देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप आगे चलते हैं तो जस्ट किचन के थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो ये आपका पहला बेडरूम आ जाता है। तो देख सकते हैं काफी अच्छे एक साइज के साथ आपको बेडरूम देखने को मिलने वाला है। ऊपर आप देखेंगे तो फोर सीलिंग का काफी अच्छा एक डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, और इधर आप देखेंगे तो ये दोस्तों डक एरिया आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका वेंटिलेशन भी है, और साथ के साथ इसे आप वॉशिंग एरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन इसमें आपको साथ देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों इसका अटैच वॉशरूम है, तो जो कि काफी स्पेसियस आपको देखने को मिल जाता है, काफी अच्छी टाइल्स का इन्होंने यूज किया, देख सकते हैं 6-7 फीट तक आपका ऊपर आपको टाइल्स का इन्होंने यूज देखने को मिल जाएगा, 7-8 फीट तक आप यहाँ पर टाइल्स का यूज देखने को मिलता है वॉशरूम के अंदर, और काफी स्पेसियस वॉशरूम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों रूम में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अलमीरा देखने को मिल जाती है, जो कि काफी स्पेसियस अलमीरा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है रूम के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे बेडरूम के साथ की तरफ, तो जैसे आप यहाँ से आगे चलते हैं यहाँ पे गैलरी आती है, छोटी सी गैलरी से आप आगे जाते हैं जैसे, तो ये आपका एक मास्टर बेडरूम आ जाएगा, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि जो कि है पहले बेडरूम से काफी अच्छे साइज में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका दोस्तों एक मास्टर बेडरूम आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी स्पेसियस बेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें भी आपको ऊपर एक काफी अच्छी फोर सीलिंग का डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ दोस्तों मास्टर बेडरूम में भी आपको आप देखेंगे तो एक अटैच वॉशरूम, जो कि पहले बेडरूम से काफी बड़ा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, अटैच वॉशरूम है दोस्तों। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी बेडरूम है दोस्तों, सभी के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम देखने को मिलता है, ब्रांडेड फिटिंग देखने को मिल जाती है, वेस्टर्न इंडियन सीट्स का इसमें यूज आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो अलमीराज के लिए एक अपना सेपरेट एरिया आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो यहाँ पर आपका अलमीराज अलग है, यहाँ पर आप चाहो तो भाई रॉड लगा के इसे कवर कर सकते हो आराम से, तो इतना स्पेस यहाँ पर है। उसी के साथ साथ इस बेडरूम के पीछे के तरफ आप देखेंगे तो गैलरी मिल जाती है आपको, 2 से 3 फीट की गैलरी आपको लगभग यहाँ पर मिल जाती है, 3 फीट की लगभग गैलरी है दोस्तों पीछे की तरफ, तो आपका वेंटिलेशन के लिए। तो दोस्तों अगर इस प्रॉपर्टी का एक बेनिफिट और भी है, इसके घर के पीछे भी आपको रोड देखने को मिलने वाली है। ये जो अभी नई प्लॉटिंग हुई है दोस्तों इस एरिया में, तो यहाँ पर पीछे घर के जस्ट पीछे से ही आपको एक 20 फीट की रोड देखने को मिल जाएगी, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो दोनों तरफ इस प्रॉपर्टी की आपको एक काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है कि आगे भी रोड पीछे भी रोड, तो पीछे की रोड आपके यूज की तो नहीं है दोस्तों, पर आपका वेंटिलेशन हमेशा प्रॉपर्टी का ओपन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर पर, वहां देखते हैं आपको देखने को क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और ये देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही आते हैं दोस्तों काफी स्पेस यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं उनके लिए भी दिया गया है। यह आपकी अभी स्टील की रेलिंग लगने वाली है, जिससे कि आपके बच्चों की और अपनी एक सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे एक बालकनी देखने को मिल जाती है, गैलरी देखने को मिल जाती है, और यहाँ जो रेलिंग का इन्होंने यूज किया है वो लोहे की काफी मजबूत रेलिंग है दोस्तों, देख सकते हैं हिलाने से भी नहीं हिल रही, स्टील की रेलिंग की होती है हिलती है दोस्तों, आपने देखा होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डिजाइन वेंटिलेशन अच्छा बनाने के लिए, फ्रंट एलिवेशन जो है वो अच्छा बनाने के लिए ऊपर एक यहाँ पर एक डिजाइन दे दिया गया, जिससे कि घर की जो खूबसूरती है फ्रंट एलिवेशन है वो प्यारा देखने को मिले। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं दोस्तों, जैसे आप एंटर करते हैं अंदर तो सेम क्वालिटी आपको ऊपर की तरफ भी देखने को मिलती है, वुडन वर्क आपको सारा देखने को मिलता है।
ये आपका दोस्तों देख सकते हैं ड्राइंग एरिया है ऊपर की तरफ का, जो कि काफी स्पेशियस है, और ऊपर भी आप देखेंगे तो पीओपी का काफी शानदार डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर भी ऐसा नहीं है दोस्तों कहीं पे कमी करी गई हो, भाई कहीं ड्राइंग एरिया छोटा है या बड़ा है, सारी चीजें आपको ऐसे मिलने वाली जैसे नीचे देखने को मिलती हैं। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका एलईडी का, आप यहाँ पर अपनी एक एलईडी बना लगा सकते हैं अपना आराम से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका वॉश बेसिन है। किचन देखेंगे तो नीचे दोस्तों जैसी किचन है वैसी ही ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, ओपन और मॉड्यूलर किचन आपको देखने को मिलती है। तो आपकी फैमिली छोटी है या आप दो भाई हैं और उस हिसाब से या बड़ी फैमिली है तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी देखने को आपको आज हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर। तो देख सकते हैं किचन भी आपकी जैसी नीचे है ऊपर भी बड़ी किचन है, बड़ा ही ड्राइंग एरिया, बड़ा ही डाइनिंग एरिया आपका देखने को मिलने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों इसके थर्ड बेडरूम की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड बेडरूम आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको देखने को मिलने वाला है। और देख सकते हैं और ऊपर भी आपका एक पीओपी का काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे इस कमरे के अंदर तो काफ़ी अच्छा आपको इस रूम के अंदर कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, काफ़ी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको अलमीरा देखने को मिल जाती है, तो सभी बेडरूम के साथ अटैच अलमीराज आपको देखने को मिल जाते हैं। वॉशरूम देखेंगे तो इस वाले बेडरूम के साथ भी काफ़ी प्यारा वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। कलर्स आपको थोड़ा टाइल्स के अलग देखने को मिल जाएंगे, डिज़ाइन आपको अलग देखने को मिल जाएगा, पर क्वालिटी आपको सेम आपको देखने को मिलने वाली है। तो पूरा वॉशरूम के अंदर भी देखेंगे दोस्तों तो डे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं कोई लाइट हमने यूज नहीं कर रखी। उसके बाद भी आपका जो अटैच वॉशरूम है काफ़ी स्पेसियस आपको देखने को मिलता है और डे लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। रूम के अंदर भी वेंटिलेशन डे लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डक एरिया की तरफ से आपको एक विंडो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। और एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों, जो रूम के जो डोर हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो जैसे ही आप आगे की तरफ आते हैं तो ये आपका आ जाता है फोर्थ बेडरूम, जो कि ये भी आपका ऊपर की तरफ मास्टर एज अ मास्टर बेडरूम आप यूज कर सकते हैं। बड़ा साइज आपको देखने को मिलता है, आप इधर की तरफ बेड लगा सकते हैं तो काफ़ी स्पेस आपको मिलता है, उधर की तरफ बेड लगा सकते हैं तो काफ़ी बड़ा बेडरूम साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी प्यारा एक पीओपी का डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर भी लाइट कलर का यूज़ किया गया है पूरे रूम के अंदर। और अगर हम फ्लोर की बात करें, पूरे घर के अंदर अगर हम फ्लोर की बात करें तो काफ़ी अच्छे कजारिया की टाइल्स इन्होंने यूज़ किए हैं, कजारिया की टाइल्स का इसमें यूज़ हुआ है पूरे घर के अंदर दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं रूम के अंदर काफ़ी बड़ी विंडो है, विंडो के आगे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्लैब इन्होंने दी है, यहाँ पर आप अपने सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पत्थर लगाया दोस्तों, जिससे कि ये क्या होता है किनारियाँ झड़ जाती हैं, अगर हम पत्थर न लगाएं इसे छोड़ दें तो किनारियाँ झड़ जाती हैं, तो उसकी सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो ये आप एक मटेरियल क्वालिटी देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं, एक आइडिया देख सकते हैं जो बिल्डर है इन्होंने बनाया है। और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर भी आप देखेंगे तो एक बेडरूम के साथ इसमें अटैच वॉशरूम मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज के साथ आपको मिल रहा है, काफ़ी स्पेस के साथ मिल रहा है। इसके अंदर आपको ब्रांडेड फिटिंग इको की आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह का इसके अंदर वॉशरूम है दोस्तों, काफ़ी बड़ा, मतलब चार बेडरूम चारों के साथ अटैच वॉशरूम, अटैच अलमीराज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेपरेट एरिया आपको अलमीराज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे साइज में आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि नीचे है वैसे ही पीछे की तरफ भी आपको लगभग 3 फीट का एरिया आपको गैलरी आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है। वॉशिंग एरिया भी आपको पीछे दे रखा है, तो काफ़ी स्पेस है। बाकी अब हम चलते हैं इसकी छत की तरफ, दिखाते हैं आपको आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा देखने को मिलने वाला है। अभी हम आ गए हैं इसके टॉप पर, मतलब आपकी छत पर। छत से पहले हम जिससे पहले हम आपको छत पर ले जाएं, सबसे पहले हम दिखाते हैं इसकी ममटी। ममटी बहुत बड़ी दी है दोस्तों, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूम मान के समझिए, अगर एक छोटा रूम भी आप इसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं अपने स्टोर रूम के लिए, स्टडी रूम के लिए, मंदिर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। मंदिर के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्पेस आपको, मतलब एक एरिया तो आपका ये हो गया दोस्तों, उसके बाद एक छोटा एरिया आपका ये मिल जाता है, तो काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। ममटी के अंदर भी आप मंदिर के लिए यूज कर लो, स्टडी रूम के लिए यूज कर लो, यहाँ पर पंखा लगा सकते हैं, पंखे के लिए भी दोनों जगह एक देख सकते हैं। ये वाले यहाँ पर पॉइंट पर आपको पंखा लगाने के लिए स्पेस दिया है, एक देख सकते हैं एक स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दो पंखे आप ममटी के अंदर भी लगा सकते हैं, दो बल्ब होल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तीसरा आप यहाँ पर भी लगवा सकते हैं, यहाँ एसी के लिए भी आप बोल सकते हो तो एसी भी लग जाएगी। और देख सकते हैं इधर भी आपका वेंटिलेशन के लिए आपको जंगला दे दिया दोस्तों, और काफ़ी बड़ा आपको स्पेस आपको मिलता है ममटी के अंदर। यहाँ आपकी अभी आपकी रेलिंग लगने वाली है दोस्तों, जिससे कि अभी वो सेफ्टी है वो प्रॉपर ध्यान में रखते हो, यहाँ पर स्टील की रेलिंग आपको देखने को मिलती है।
अब हम आ गए दोस्तों इसकी छत पर। छत पे से मैं देख सकता हूँ काफी बड़ी छत आपको देखने को मिल जाती है। तो ये दोस्तों वीडियो ऑलमोस्ट आपकी लास्ट पॉइंट पर है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स और एक बार बता देता हूँ। अगर आप बात करते हैं इसके लैंड एरिया की, तो 115 गज में MDDA अप्रूव्ड डुप्लेक्स हाउस 4BHK, कंप्लीट 4BHK हाउस हम आज आपके लिए लेकर आए दोस्तों, जो कि 115 गज में है। नियर बाई आपका बंगाली कोठी दून मिस्ट्री रोड पर ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। नियर बाई सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं। आसपास का काफी अच्छा इन्वायरमेंट है दोस्तों। अगर मैं इधर भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं काफी प्यारे प्यारे घर आपको यहाँ पर देखने को, और देखिए पीछे की तरफ भी काफी अच्छा इन्वायरमेंट है, काफी बड़े बड़े घर, काफी अच्छी सोसाइटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, काफी स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। काफी अच्छा व्यू, छत पे से भी आपको काफी अच्छा इन्वायरमेंट, काफी अच्छा व्यू, काफी शांत आप देख सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। और मेन रोड के पास में है तब भी इतना शोर शराबा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, और काफी अच्छी एक तरह से काफी अच्छे एरिया में, पॉश एरिया में आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपको हम आज प्रॉपर्टी लेकर आए, जो कि 4BHK डुप्लेक्स हाउस है, जो कि 4 कमरों का है दोस्तों। दो ड्राइंग एरिया हैं, दो डाइनिंग एरिया हैं, दो किचन हैं, चारों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, अलमीरा है। तो कंप्लीट घर हम आज आपके लिए लेकर आए दोस्तों, 115 गज MDDA अप्रूव। तो अगर दोस्तों ये घर आपके बजट में आता है, तो बजट से मेरे को याद है, अभी रेट तो मैंने बताया नहीं दोस्तों, तो रेट मैं आपको बता देता हूँ। ऑनर की जो डिमांड है दोस्तों 99 लाख रुपए है, 99 लाख की इसकी डिमांड है ऑनर की, स्लाइटली नेगोशिएबल है ऑन टेबल दोस्तों। तो लोन की सारी सुविधा है, MDDA अप्रूव्ड है, और आपके बजट में आता है और आप इस घर को लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस घर के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी है देहरादून में, उसे आप सेल कराना चाहते हैं, या कोई नई प्रॉपर्टी सेल सर्च कर रहे हैं, प्लॉट है, मकान है, कमर्शियली है, या कोई बड़ी ज़मीन 1-1.5-2 बीघा आप लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।